सर, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम मंगनी कर रहे हैं। अगर उन दोनों का रिश्ता हो, अगर ये मंगनी हो, तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं राहिल, यकीन करो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं नौरी, इस तरह इतनी आसानी से तो अपनी मोहब्बत को नहीं हार सकता हूं। अगर कोई रास्ता नहीं है तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा। अल्लाह का शुक्र है चांद, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। सर, उस दिन अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अब काफी बेहतर है, आप मिल सकती हैं मुझसे? खैरियत सर? दरअसल ये चांद, मैंने कभी आज तक किसी से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं किए। मुझे लगता है जिंदगी में कम से कम एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो आपसे मुखलिस हो, आपके साथ सच्चा हो, जिससे आप अपने सारे मसाइल डिस्कस कर सकें। और पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये एहसास होता है कि आपकी सूरत में मुझे एक बहुत ही काबिल एतबार दोस्त मिल गया। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो एक बार मिल लें। सर, वो मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। क्या हम फोन पर एक दूसरे से मसले शेयर कर सकते हैं? क्यों, भरोसा नहीं आपको मुझ पर? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तो आना चाहिए आपको मिलने। अच्छा सर, आप मुझे एड्रेस दें और वक्त बताएं, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू, मैं अभी आपको एड्रेस भेजता हूँ। खुदा हाफिज़। कहीं जा रहे हो? हाँ, आज एक बड़ी खास शख्सियत से मीटिंग है। अच्छा, कौन है वो शख्स? गेस करो। तुम्हें इस तरह ड्रेसअप होते हुए देख के लग रहा है तुम शायद चांद से मिलने जा रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चांद से नहीं मिल सकता? वो तुमसे मिलना नहीं चाहती ना, इसलिए। अच्छा चलो, फर्ज करो कि अगर चांद खुद मुझे मिलने आए तो फिर ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। तो फिर ऐसा ही समझ लो, आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा लकी डे है। तो क्या तुम वाकई चांद से मिलने जा रहे हो? नहीं, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा बस मुझे 2 मिनट दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, मुझे जरा मॉल ड्रॉप कर देना। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, प्लीज डोंट माइंड। बाय। माइंड कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। सिकंदर, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ,
एक घंटे तक आ जाऊंगी, तुम आयशा का ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो? निजार साहब की कॉल आई थी, वो मुझसे मिलना चाहते। क्यों? ये तो मिलकर ही पता चलेगा। चांद, पता नहीं क्यों मुझे जहर साहब कुछ अजीब से लगता है, समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? चांद, बुरा मत मानना, तुम उस दिन भी फोन पे बात कर रही थी, आज मिलने जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जान सकती हूँ क्यों? बस मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे मिलो, उनकी जरूरत नहीं है माई जिंदगी। सिकंदर, तुम इनसिक्योर हो रहे हो। चांद, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, पहलिया क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बात करो। अफसोस हो रहा है सिकंदर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम छोटी ज़हनियत के निकलोगे। मैं ऐसा क्या कहा है जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब उस शख्स से मिलने की जरूरत नहीं। मेरे लिए जरूरी है, शख्स की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है सिकंदर। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ सिकंदर, जब मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा था तो वो इंसान मसीहा बनकर आया और मेरी मदद करता रहा। आज अगर मैं इस घर में रह रही हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, सिर्फ शख्स की वजह से। वो एक वाहिद शख्स है जिसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। वो मेरी हर बात को समझता है सिकंदर। उस मुश्किल वक्त में भी उस इंसान ने मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी और उनसे रابطہ भी कभी खत्म नहीं करूंगी। तुम ये बात अपने ज़हन में बिठा लो सिकंदर। राहिल किधर गया? कहीं वो चांद से मिलने तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जरा पता करती हूँ। हेलो फ्रिया। सिकंदर, तुम कहाँ हो? चांद के घर हूँ। खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। तुम जरा मेरी चांद से बात करा। चांद तो नहीं है, तुम उसे कॉल कर लो। मैंने कॉल की थी लेकिन उसने अटेंड नहीं की। वैसे वो कहाँ है? हाँ, वो अपने एक जाने वाले। तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि वो एक घंटे में वापस आएगी। कोई काम है तुम्हें उससे? अरे कैसे आदमी हो तुम, अपनी मंगेतर के बारे में खबर ही नहीं रखते कि वो कहाँ जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं, कुछ मतलब नहीं है, मैं ऐसी कह रही थी। तुम लोगों को तो कोई बहाना चाहिए। खैर, तसल्ली रखो, चांद ऐसी नहीं है। कैसी? क्या कहना चाहती हो तुम? ओफो यार, तुमसे तो मजाक करना ही फजूल है, हर बात पे इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? बाय। अच्छा ठीक है, बाय, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। एक ही टाइम में राहिल यहाँ से गया और वहां चांद भी सिकंदर को बताए बगैर चली गई। इंटरेस्टिंग। इश्क
निकाह कर लेते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि इजहार साहब भी हमारे निकाह पे आए और हमारे गवाह बने। अरे कैसे आदमी हो तुम, अपनी मंगेतर के बारे में खबर ही नहीं रखते। हेलो 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 मेरी आवाज सुन के कट कर दिया। आखिर कौन है ये इजहार जो सिर्फ चांद से बात करना चाहता है? चांद उसे अपना मोहसिन मानती है, मगर मुझे लगता है कि बात कुछ और है। ये जो भी है मुझे चांद को उससे दूर रखना होगा। लगता है चांद नहीं आएगी, उसका मोबाइल सिकंदर के पास है, इसका मतलब वो घर पर ही होगी। लेकिन उसे मुझे बता तो देना चाहिए था। भैया क्या हुआ है रक्षित? बस कुछ नहीं, बंद हो गया, मैं चेक करता हूँ, आप परेशान ना हो। मेरा मोबाइल और वो फोन में घर भूल आई हूँ, क्या होगा? इजहार साहब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। भाजी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा मसला हो गया है, मकैनिक के पास ले जाना पड़ेगा। आप ऐसे करें दूसरा रक्षा करा लें। दूसरा रक्षा मुझे यहाँ कहाँ मिलेगा? आपको रक्षा मिल जाएगा, मेन रोड पे ही मिल जाएगा। चलो शुक्रिया। Thank you.
आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए, याद में कोई उम्र बिताए। वो एक वाहिद शख्स है जिसे बात करके मुझे अच्छा लगा, वो मेरी हर बात को समझता है, सिखाता है। मुश्किल वक्त में भी उस इंसान ने मेरी हिम्मत नहीं टूटी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊं और उनसे रिश्ता भी कभी खत्म नहीं करूं। तुम ये बात अपने जहन में बिठा लो। चांद, एक घंटे का कह के गई थी तुम, अब तुम इतनी लेट आ रही हो। सिकंदर, वो रास्ते में रिक्शा खराब हो गया इसलिए देर हो गई। इजहार साहब ने क्या कहा, क्यों मिलना चाहते थे वो तुमसे? मैंने कहा ना उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। क्या, आखिर उनसे मुलाकात नहीं हुई तो इतनी देर कहाँ पे लग गई? मैंने कहा ना रिक्शा खराब हो गया था। तुम सवाल पे सवाल क्यों किए जा रहे हो सिकंदर? चांद, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, सच पूछो तो ये मुझे इजहार नाम का शख्स मशकूक लग रहा है यार। क्या मतलब तुम्हारा कि तुम्हें मशकूक लग रहा है? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? मुझे तुम पे भरोसा है। तो फिर क्या बात है सिकंदर, तुम इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? देखो, हर रिश्ता इत्तबार की बुनियाद पर कायम होता है। सिकंदर, मेरे भाई ने मुझ पर इत्तबार किया था और उन्होंने मुझे कभी जोर जबरदस्ती नहीं की कि ये काम करो और ये ना करो। तो फिर तुम और मैं क्यों एक दूसरे पर अपनी मर्जियां मुसल्लत कर रहे हैं? चांद, देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा और तुम्हारी फीस अदा कर दूंगा यार। अब हमें ये इजहार की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी के अंदर। तो तुम क्या समझ रहे, मैं इजहार साहब से इसलिए बातें करती हूँ ताकि वो मेरी यूनिवर्सिटी की फीस देते रहे? मैंने उन्हें कब का मना कर दिया यूनिवर्सिटी की फीस देने से, और अब वो मेरी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं देते। चांद, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि मुझे इजहार राहिल लग रहा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें राहिल से नफरत है लेकिन इजहार से तो नहीं ना? फिर इजहार से वादा खिलाफी क्यों की? बहुत इंतजार किया तुम्हारा, अगर नहीं आना था तो साफ कहती ना। इजहार को तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, खैर जो हुआ सो हुआ, बस आइंदा ऐसा मत करना, ठीक है? राही, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूं कि पता नहीं कब चांद को मेरे जज्बात पे यकीन होगा। राहिल, उसको तुम्हारे जज्बात कभी नहीं समझ आने वाले, बहुत संदिल है। तुम्हारी गलत फहमी है, जब हकीकत उसके सामने आएगी ना तो वो जरूर मुझे समझेगी। सॉरी, देखो मैं खुद राहिल की वजह से खौफ ज्यादा हुआ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं हमारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। देखो सिकंदर, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा शक ठीक है,
राहिल हमारी जिंदगियों में एक मसले की तरह है, लेकिन अब हमें उसका आदी हो जाना चाहिए। वैसे भी अब हमारा रिश्ता हो गया, राहिल खुद ही पीछे होता जाएगा। नहीं चांद, मंगनी एक कमजोर रिश्ता है। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, राहिल तरह तरह से कोशिश करेगा कि हमारी मंगनी टूट जाए। अगर हम ये छोटी छोटी बातों पर उलझना छोड़ देना तो मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। इंसान दूसरों को खुद मौका फराहम करता है कि वो उस पर उंगलियां उठाए। चांद, मेरी नजर में बस एक ही हल है इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए। कैसा हल? चांद, मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो राहिल के सर से तुम्हें पाने का जुनून खत्म हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद पीछे हट जाएगा। शादी? नहीं सिकंदर, हमने तय किया था कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि शादी कर सके, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चांद, मुझे पता है, लेकिन मैं ये अरे लिए तो कर रहा हूँ, राहिल से छुटकारा पाने के लिए कर रहा हूँ यार। देखो चांद, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, हो सकता है हमारे हालात ठीक हो जाए। चांद, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग ये मोहल्ले वाले और राहिल के खौफ से आजाद होके पुरसकून हो जाए, तब हम एक साथ मिलके अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। सिकंदर, मुझे नहीं लगता कि ये सब इस वक्त मुनासिब रहेगा। चांद, यही बेहतरीन हल। फिर मुझे छुप छुप के यहाँ आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोहल्ले वालों को लगता है कि हमारी मंगनी एक कमजोर रिश्ता है, इसी वजह से वो इस चीज का फायदा उठा रहे और हम पे दबाव डाल। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम निकाह कर लेते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि ज़ाहर साहब भी हमारे निकाह पे आए और हमारे गवाह बने। सर, आप कैसे हैं? ठीक। सर, आप मुझसे नाराज हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इस तरह करोगे। I'm sorry सर। सर, वो मैं रिक्शा में आ रही थी और रिक्शा खराब हो गया और उस एरिया में दूर दूर तक कोई रिक्शा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे देर हो गई। सो के चांद ऐसा हो जाता है, अभी सोच रही थी कि मसला होगा। मैंने काफी बार आपका नंबर भी ट्राई किया। वो मोबाइल फोन में घर पे भूल के चली गई थी सर साहब। जो हुआ सो हुआ। सर, वो 2-4 दिन में मेरा निकाह हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप जरूर उसमें शिरकत करें। हेलो सर, जार साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, आपको याद होगा बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। सर, वो काफी दिनों से कोशिश कर रहा है कि मुझसे शादी कर ले, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो मेरी जान छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। सर, आप आएंगे ना? मैं? है
हेलो हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहब्बत के दावे करते हो, तो तुम्हें इस मोहब्बत की कसम है राहिल, मेरी मंगनी में रुकावट मत डाल, मैंने बहुत सब्र कर लिया जा, अब बस इससे पहले कि तुम किसी और की हो जाओ, मैं तुम्हें छीन लूंगा दुनिया से, राहिल तुम्हें किसी और का होने नहीं देगा। अगर राहिल को कुछ भी हुआ ना तो चांद और तुम दोनों मुश्किल में आ जाओगे। तो क्या करूं, चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं? अगर उसने चांद को कुछ नुकसान पहुंचाया तो? देखो, वो चांद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा यार, उसका मकसद सिर्फ ये शादी रोकना है। ये पहन के तैयार हो जाओ, मैं काजी और गवाह को लेके आ रहा हूं। चांद, मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूँ, सिकंदर को छोड़ दो, वरना मुझे वो कदम उठाना पड़ेगा जो मैं उठाना नहीं चाहता। राहिल, मेरी आंखों में देखो, इसमें सिवाय नफरत के तुम्हें अपने लिए कुछ नजर नहीं आएगा, और मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कहर बनूंगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी सिकंदर से शादी होने नहीं दूंगी। शादी तो मैं सिकंदर से जरूर करूंगी, और तुम जानते हो मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ? तुम्हारी वजह से। क्या कर सकते हो तुम, हाँ क्या कर सकते हो? और इस दफा मैं इनविटेशन तुम्हें खुद भिजवाऊंगी राहिल। कौन है तुम लोग? लग पा जाएगा। क्या हो गया तुम लोग को, और चांद की तरह परेशान क्यों लग रहे हो? वो राहिल ने चांद को किडनैप कर लिया है। क्या, इस तरह का मजाक है? देखो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। हम मजाक नहीं कर रहे। तुम लोग कहाँ पे थे, और कॉलेज के बाकी लोगों ने कुछ भी नहीं किया क्या? देखो, किसी को कुछ नहीं पता है, और तुम्हें पता है ना राहिल कितना पागल है,
कुछ भी कर सकता है वो। ऐसे कैसे कुछ भी कर सकता है यार? यार राहिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बात सुनो, आयशा का ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? पहले जाके FIR कटवाऊंगा और फिर मुझे पता लगाने चांद को लेके गया कितना। यार राहिल की मौत सिर्फ मेरे हाथ। बेवकूफी की बातें मत करो सिकंदर। अगर राहिल को कुछ भी हुआ ना तो चांद और तुम दोनों मुश्किल में आ जाओगे। तो क्या करूं, चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं? अगर उसने चांद को कुछ नुकसान पहुंचाया तो? देखो, वो चांद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा यार, उसका मकसद सिर्फ ये शादी रोकना है। तुमसे कह रही थी ना चुपचाप ये शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा मतलब है कि अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो राहिल के सर से तुम्हें पाने का जुनून खत्म हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद पीछे हट जाएगा। राहिल तुम मेरे करीब बताना। लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो गलत फहमी है मैं उनको खत्म नहीं कर पाया। कुछ भी हो जाए तुम्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ जाने दो राहिल, आशा मेरे बगैर नहीं रह सकती। एक बार हमारा निकाह हो जाए फिर जहां जाना चाहती हो चली जाना। निका, मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, थोड़ी देर में हमारा यहां पे निकाह होगा। जैसे तुम निकाहनामे पे दस्तखत करोगी उसके बाद तुम कहीं भी जाने के लिए आ सकती। तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी राहिल। तुमसे निकाह करने से बेहतर है कि मैं मौत को तरजीह दूं। और मेरे जीते जी मैं तुम्हारा नाम किसी और से मंसूब होने नहीं दूंगा, उसके ऊपर मैं मौत को तरजीह दूंगा। खुद भी मर जाऊंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। सुन रही हो ना तुम? मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है यहाँ से जाने से। मैं जा रही हूँ। रुको चांद, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। चलो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। चलो अंदर। राहिल मेरा हाथ छोड़ो। ऐसा बात करो, किसी को बताना नहीं।
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं थोड़ी देर में उससे निकाह कर लूंगा, फिर वो जहां जाना चाहती है चली जाए। मैं इसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पे नहीं लाया हूं। उसके साथ वो महफूज है, हम मेरी मम्मी के पुराने वाले फ्लैट में हैं। डैड के फोन कर रहे हैं। वैसे भी अब हमारा रिश्ता हो गया। नहीं चांद, मंगनी एक कमजोर रिश्ता। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, राहिल तरह तरह से कोशिश करेगा कि हमारी मंगनी टूट जाए। चांद का फोन भी इसी के पास। क्या दोबारा ट्राई करते? मेरा फोन वापस करो राय, मैंने कहा मेरा फोन वापस करो। हेलो शिवा। नौमान, मैं क्या सुन रहा हूँ? राहिल की इतनी जुर्रत कैसे हुई? शिवा, मैंने अभी अभी ये खबर सुनी, हो सकता है ये गलत खबर हो, पहले हमें इसे कंफर्म कर लेना चाहिए। देखिए नौमान, मैं और कुछ नहीं जानता, ये हमारी इज्जत का मसला है। मुझे चांद बाइज्जत चाहिए, फौरन अपने घर में वापस। अशवाक प्लीज, देखो पहले हमें मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। देखो अगर राहिल वाकई कसूरवार साबित हुआ तो उसे जरूर सजा मिलेगी, मेरा ये तुमसे वादा है। पहन के तैयार हो जाओ, मैं काजियों का वहां को लेके आ रहा हूं।
तो अभी तक नहीं समझियो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए। अरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ना था। नफरत करती हूँ तुमसे राहिल। चांद बहुत ज्यादा बदकिस्मत है जो तुम जैसे इंसान की मोहब्बत को ठुकरा रही है राहिल। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तैयार होकर बाहर आ जाओ, मुझसे निकाह कर लो, वरना होगा कुछ नहीं सिर्फ तो जिंदगी जाया हो जाएगी। तुम मुझे आज यहाँ से ले तो जाओ पर कभी भी मुझे अपना नहीं सकोगे। अगर तुम मेरी ना हुई ना तो ना मैं खुद जिंदा रहूंगा ना तुम्हें जिंदा रहने दूंगा।